सो हे यूअर सब यूर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो भाई आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वर सीरीज का अपना एपिसोड कंटिन्यू करने वाले हैं, और ये होने वाला अपना 12th एपिसोड, जिसके अंदर हम यार आज मस्त सा एक डायमंड आर्मर को फुल टू फुल, मतलब अपना जितना भी डायमंड गियर होता है जिसको हम अपने एक फाइट में यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए भाई हम पूरा प्रिपरेशन करने वाले हैं आज के टाइम के लिए। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई मुझे क्या करना है कि अपना लेवल मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो कहाँ लेवल सही दिख रहा है, ब्रिक पे सही दिख रहा है, ये देखो भाई 36 लेवल हो चुका है हमारा। और ये कैसे हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। हमने अगले पार्ट में बनाया था एक्सपी फार्म, अगर आपने अगला पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लो यार, हाई बटन पे लिंक आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। और उसके अंदर हमने बनाया यार जोम्बी फार्म, तो वो जोम्बी फार्म यार लिटरली बहुत ज़्यादा मस्त वर्क कर रहा है, और उसको बनाने में यार बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और आप लोग ने जो वीडियो देखा यार 20 मिनट, मतलब समझो मेरे को 1 घंटे के ऊपर वो वीडियो लगी बनाने। चल झूठा, तो बहुत ज़्यादा यार मेहनत लग गई। अगर आपने नहीं देखा तो जाके यार फट से यार देख लो वीडियो, होते अभी अपने एक्सपी फार्म पे, फिर वहाँ से आके अपना पूरा पूरा डायमंड आर्मर हर एक चीज़ बनाएंगे, और फिर उसको इंचैंटमेंट भी करना है। तो जल्दी से हम चलते हैं अपने मतलब एक्सपी फार्म पे। सो गाइस मैं नीचे और देखा, जस्ट इधर देखो स्पाइडर है, और इसका मुंह देखो भाई कितना बेकार है, तो हम इसको मार देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो हमारे पास फायर एक्सपेक्ट वाली स्वॉर्ड है, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी मर जाती है। मर गई भाई, मर भी गई। और मुझे यार एक बो भी बनाना है इधर, हर एक चीज़ मतलब जितना भी होता है अपना एक आर्मर गियर मस्त वाला, तो उसको आज हम बनाने वाले, समझो मस्त वाला पावरफुल आर्मर। तो जल्दी से हम चलते हैं नीचे गाइस, वी आर डाउन इन द केव। तो जल्दी से हम चलते हैं यार सामने, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा अपडेट कर दिया अपना ये वाला पार्ट भी, मतलब ये जितना भी पार्ट मैंने बनाया था उसको बहुत ज़्यादा अपडेट कर दिया है। जैसे यहाँ देखो मैंने इसको बंद कर दिया ये एरिया, क्योंकि इसके आगे यार मेरा बहुत ज़्यादा सिस्टम हो चुका है, तो इसके लिए मैंने इसको बंद कर दिया, ऑफलाइन ज़्यादा काम कर दिया मैंने। और ये देखो यार टटड़ान हमारा यहाँ पूरा का पूरा एक डोर वाला एक्सपी फार्म तक जा रहे। तो भाई आपने अंदर का देख लिया शीट। तो भाई यहाँ देखो यार ये है हमारा प्रेशर प्लेट, ये है हमारा सैपलिंग डोर, और ये है हमारा केव। अबे साले, और ये है भाई हमारा एक्सपी फार्म का एरिया, जिसके अंदर भाई मैंने ब्रिक से पूरा पूरा मतलब डेकोरेट कर दिया अपना केव। इतना भी नहीं अच्छा लग रहा है, बट यार नीचे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम अंदर चलते हैं, और यहाँ मैंने रख दिया एक बेड और अपना छोटा सा चेस्ट वेस्ट, और यहाँ भाई जो भी काम करने के लिए यार अपना एक क्राफ्टिंग टेबल तो चाहिए, तो क्राफ्टिंग टेबल भी मैंने रख लिया। और यहाँ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फर्नेंस रख लिया भाई, गलती बोल रहा हूँ मैं। और इसके अंदर देखो यार हमारा एक्स मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अपना स्पॉनर सामने, और भाई यार देखो सामने यार स्पॉन हो चुके सब लोग, तो बहुत सारा यार बहुत ज़्यादा ही बंदे आ रहे हैं हमारे इधर स्पॉनर पे। तो जल्दी से हम यार पहले अनक्राउच हो जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और यहाँ देखो मैंने एक सिस्टम लगा दिया जिससे हम नीचे ऊपर जा सकते हैं। तो चलो अभी चलते हैं नीचे, और मतलब ऐसा नहीं है कि लिफ्ट वाला काम करता है, दोनों सेम ही है, बट इन फ्यूचर हम दोनों को लिफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे बहुत अच्छे से। तो जल्दी से मैं कराओ चाहता हूँ। और अपना ये देखो यार कितने सारे जॉम्बीज गिरे जा रहे हैं, और एक छोटा जॉम्बी है जिसको भाई ये अगर मैं खोल दिया तो छोटा जॉम्बी आके मुझे बहुत मारेगा। आपको एक बार दिखा दूँ कि नहीं यार, नहीं दिखा रहा भाई मुझे। चलो अभी मारना स्टार्ट करते हैं यार ये लोग को, और अपना एक्सपी लेवल इंटू 100 करते। तो अभी मेरे पास है 36 एक्सपी, और ये सब हुआ है सिर्फ यही फार्म से। ये देखो भाई वन शॉट किल, नॉट अ बिग डील। तो भाई एक शॉट में सब मर रहे हैं, और मेरा एक्सपी कहाँ जा रहा है वो भी मैं बताता हूँ, जल्दी रुक जाओ 2 मिनट। तो भाई बहुत ज़्यादा यार इतने सारे बंदे आ चुके हैं, आप देख रहे हो यार मैं मारे जा रहा हूँ, और ये ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहे। और जितना भी चीज़ ओहो नीचे नीचे एक बच्चा है जिसको मुझे मारना है, और भाई कितने बच्चे यार यहाँ भाई, फाइनली यार पूरा का पूरा एरिया ख़त्म। और ये देखो मेरा एक्सपी यहाँ था, तो यही एक मतलब एक्सपी वहाँ आ गया था। और यहाँ देखो यार मेरा रफ्तार यार भीगा जा रहा है, बट यार तुझे यार सजा मिलेगी, क्योंकि ये तू यार बहुत ज़्यादा बाहर घूमने लगा है। तो यहीं रहे भाई तू, अभी मुझे नहीं मालूम भाई, जो भी होने दे, मैं जा रहा हूँ अपना अच्छे से यार मज़ा करने, अपना डायमंड आर्मर बनाने, मस्त आर्मर बनाऊँगा, मस्त से रहूँगा। और मुझे शायद से इसका आर्मर भी मिला था, आई थिंक मुझे ढूंढना पड़ेगा यार वो भी, क्या ही भाई बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। ओ भाई डायमंड आर्मर इसके लिए भी है, और ये इंचेंट होता है वो भी हम चेक कर लेंगे, अगर भाई ये इंचेंट होता रहेगा लिटरली बहुत ज़्यादा मस्त हो जाएगा। और इसके लिए बहुत सारी सैडल्स अलग अलग चीज़ मैंने रखी है, तो चलो ट्राई करेंगे सबना चीज़, अगर भाई ये अच्छे से रहेगा तो लिटरली मैं इसके लिए बहुत सारी चीज़ करूँगा, और नहीं रहेगा तो मालूम नहीं। और मेरे पास गोल्डन इंचेंटेड एप्पल है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, और मुझे यार स्पॉनर्स ही मिला था। मेरे पास अभी डायमंड पिकेक्स और स्वॉर्ड है, तो ये दो बनाने की ज़रूरत नहीं मुझे, तो जल्दी से हम बना लेते हैं सबसे पहले अपना हैट। और ये मैं खुद से यार अपने खुद से बनाने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना एक चेस्ट प्लेट। तो फाइनली वी आर गो यार, एक चेस्ट प्लेट मुझे मिल चुका है,
डायमंड कॉपी। और अब यार मैनुअली बना लेते हैं। और एक ये मुझे बनाना है पैंट, और एक बूट, और एक हैट आई थिंक मैंने नहीं बनाया, बना लेते हैं। और अब मुझे बनाना है एक एक्स और एक भाई अपना ये शोवेल, और एक लास्ट होए बनाना था जिसके लिए मेरे पास स्टिक नहीं है। तो जल्दी से हमें स्टिक बना लेते हैं यार। स्टिक तो यहीं यार बहुत सारी होगी, देखो यार मेरे पास लॉक भर भर के है, तो स्टिक यार आराम से मिल जाएगी, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जल्दी से मैं यहाँ बना लेता हूँ बहुत सारी चीज़, और इधर से स्टिक बना लेते हैं भाई। तो स्टिक भाई भरपूर हो चुकी है मेरे पास, देखो सब कुछ गियर 1 2 3 4 चीज़ हो चुके हैं। और लास्ट मुझे एक अपना होए आई थिंक मुझे नहीं बनाना चाहिए, ना मेरा यूज़ होता है, तो होए हम नहीं बनाने वाले। और अभी मेरे पास 26 डायमंड बन चुके हैं, जिसको मैं यार ऊपर रख देता हूँ। चलो यार अपना रेयर प्लेस पर रख देते हैं रेयर थिंग। तो रेयर प्लेस पर रेयर थिंग रख दिया मैंने। और अभी भाई मेरे पास यहाँ डेप स्ट्राइडर ये सब है ना, तो मुझे एक वो भी बनाना है। याद आ गया भाई कि मुझे एक वो बनाना था, क्या बोलते यार उसको, भूल गया। तो सबसे पहले हम यार सो जाते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी। द नेक्स्ट डे। सो ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अभी हम भाई सबसे पहले हम यहाँ अपना ये रखेंगे गियर, और यहाँ चेक करेंगे थ्रोन तो चाहिए नहीं भाई, ये बहुत ज़्यादा बेकार होता है। और एको एफिशिएंसी रेप्टाइल, ये दो तीनों चीज़ नहीं चाहिए मुझे इसमें, एक भी नहीं चाहिए भाई इसके अंदर भी। और इसके अंदर भाई यार कुछ नहीं मिल रहा यार मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि बुक को इंचेंट करके भाई इसको अच्छे से मैं कर लूँगा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है वो। तो चलो अभी हम नीचे चलते हैं फट से। और सबसे पहले मैं बुक इसमें रख दिया था, मुझे इतना याद है कि भाई मैंने 9 बुक 6 बुक कितना भाई का बुक कहाँ गई यार। यहाँ थोड़े बहुत चीज़ें, 9 बुक भाई यहाँ है भाई, फाइनली बुक मुझे मिल गई यार। और इधर कौन सी बुक है, जो भी बुक है सब मैं लेके चलता हूँ, जितनी भी बुक है, क्योंकि वहीं काम आने वाली है मैं। फॉर्चून वन में डालूंगा अपने पिकैक्स में, ये हुई ना बात भाई, फॉर्चून वन मिल रहा है। और ये मैं डालने वाला हूँ अपने ये वाली पिकैक्स में एफिशिएंसी 5। और फॉर्चून कहाँ गई भाई अपनी फॉर्चून, ओ भाई मेरी एक एक वाली थी भाई, ज़्यादा नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो फॉर्चून वन हम यहाँ डाल देते हैं, 3 लेवल कॉस्ट मिल रहा है। और इसको मैं थोड़ा बहुत अपडेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारी हो चुकी है पावरफुल। और एक बार मैं देख लेता हूँ, दो मिनट मेरे पास दो पिकैक्स है, इसको एक करने में फुल यार 14 लेवल कॉस्ट लग रहा है, मगर आई थिंक जो कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई मेरे पास बहुत सारा है, अनलिमिटेड है मेरे पास। तो इसको मैं यार नाम भी चेंज करूँगा, तो देखते कितना कॉस्ट लगता है, और उसके हिसाब से नाम नहीं चेंज कर सक पाऊँगा, सॉरी। तो जल्दी से मैं इसको कर लेता हूँ, 14 लेवल कॉस्ट लग रहा है, लगने दो भाई। और मेरे पास अब 5 लेवल बना है, गिनती का 5 लेवल भाई, बहुत ज़्यादा कम। और मुझे एक आर्मर स्टैंड भी बनाना है, तो वो हम बना लेते हैं अपने फर्नेंस में, होगा स्मोकर में भी नहीं होता है, फर्नेंस में कर लेते हैं जल्दी से इसका काम। सो हियर वी गो, मुझे एक स्टोन मिल चुका है, तो स्टोन अभी पूरा 3 एक साथ कलेक्ट करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यार। और मेरे पास बहुत सारी बुक हो चुकी है एन्चेंटमेंट बुक्स, जो कि भाई मुझे यूज़ भी करनी है। देखो भाई जैसे कि ये अनब्रेकिंग 2 और पावर 5 4 जो भी है यार, बहुत सारा चीज़ है जो कि भाई यूज़ होगा हमारे लिए। और लिटरली हमारा जितना भी ये आर्मर मैंने लिया है ये ओपी बनेगा, ऐसा नहीं है कि भाई मैं ख़राब कर दूँ अपना आर्मर, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाऊँगा। और वापस आई थिंक स्मूथ स्टोन निकलना चाहिए इससे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे तो लग रहा है भाई स्मूथ स्टोन ही निकलेगा, जैसा मेरा मतलब इतना सारा मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर, तो फाइनली स्मूथ स्टोन ही निकल रहा है। और मुझे 3 ही की ज़रूरत है मुझे लग रहा है, क्योंकि स्लैब 3 से ही बनता है। तो जल्दी से यार आ जाए तीनों, मज़ा आ जाएगा। और भाई जब तक यार ये 3 स्टोन बन रहा है, जब तक यार आप चैनल को जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो यार, बस सब्सक्राइब कर दो। ये आर्मर स्टैंड मैं कहाँ लगाने वाला हूँ वो मैं बताता हूँ, नीचे लगाते हैं, जो कि यार मैं लगाऊंगा इधर लगा देता हूँ, मस्त भी लगेगा। और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ अपना जितना भी अभी तक मैंने, ये देखो इधर जितना भी चीज़ है ये सब लगा देता हूँ। ये देखो यार हमारा डायमंड आर्मर यहाँ है, बस इसको इंचेंट करना है। तो उसके लिए भाई मुझे जाना पड़ेगा अपना वापस एक्सपी फार्म में, तो जल्दी चलते हैं यार वहाँ से कुछ एक्सपी कलेक्ट करके लेके आते हैं, और उसके बाद फिर यार यहाँ मौज करते हैं। तो जल्दी चलते हैं अपने एक्सपी कलेक्ट करने। सो ऑलराइट गाइस, यार बहुत ज़्यादा टाइम वेट करने, मतलब 20 मिनट्स मैंने ऑलमोस्ट यार 20 मिनट्स वेट किए, उसके बाद यार यहाँ देखो जादू सा हो गया कि भाई बहुत सारे बंदे आ चुके हैं, जिसको मैं नीचे से मारने वाला हूँ। तो चलो यार मारते हैं भाई एक एक को, और देखते हैं कितना एक्सपी मिलता है हमें इससे। मुझे लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि यार बंदे यार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेट किया, और थोड़े जन को मैंने मारा भी था, जिससे मेरे यार थोड़ा सा एक्सपी बढ़ा था, इतना भी नहीं बढ़ गया कि भाई मेरे एक्सपी बढ़ गए, बट थोड़ा सा मैंने बंदे को मारा था। और यहाँ देखो यार, और भाई इन्फानाइट बंदे आ रहे भाई, बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, सबको मारने वाले, टेंशन मतलब सबका भाई टाइम आएगा, सबको मार पड़ेगी, टेंशन मतलब भाई। और हमें एक्सपी देते रहो बस आप।
तो यहाँ 16 XP यार, बस कुछ सेकंड में हमारे 16 XP हो चुके हैं। और बंदों को देखो यार, नीचे बहुत सारे छोटे बच्चे ले रुक भी हैं जिसको मुझे मारना है, और यहाँ से मैं मारूंगा छोटे बच्चे लोग को। तो इन लोग को हम मार देते हैं सबसे पहले। तो यार बहुत ज़्यादा, देखो यार कितने सारे बच्चे थे भाई, बहुत ज़्यादा मस्त XP पर हमारा काम कर रहे हैं। और देखते हैं भाई, अभी तो थोड़ा मतलब कम हो जाएगा यार वे, तो थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। हमारा 90 मतलब XP हो चुका है यहाँ, और थोड़ा सो गाइस यार 38 XP यार बहुत सारा टाइम बाद हो रहा है। और भी बंदे आ रहे हैं तो और भी मारते यार हम, और चेक करते यार अब कितना होता है। अभी 38 XP था हमारा, 39 हो चुका है। और ये यार ये 40 हो जाए तो हम चलते हैं यार, अगली बार भी 39 पे हम गए थे, अब 40 करके कैसा भी हम जाएंगे यहाँ से। और अभी मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं अपना आर्मर ले गया, तो भाई आर्मर मैंने आर्मर, आ जा भाई आर्मर, सब चीज़ आ गया कि नहीं भाई, कुछ भी चीज़ गया भी नहीं होना चाहिए, आ गया मेरे पास सब चीज़। और जल्दी से मैं ऊपर चलता हूँ, ऊपर चल ले यार, ऊपर चल ले भाई, ये सीढ़ी वाला मसला बहुत ज़्यादा होता है। और ऊपर जाने के बाद भाई मैं सबसे पहले यहाँ अपना जो भी मिल रहा है उसको मैं इंचेंट करने वाला हूँ। थ्रोन रोन नहीं लूँगा, फायर प्रोटेक्शन या ब्लास्ट प्रोटेक्शन ले लेते हैं, बहुत अच्छा है। फटफट हम इसको इंचेंट करते हैं। सबसे पहले हमारा ब्लास्ट प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग 3 एक साथ आ चुका है। जो भी लास्ट इंचेंटमेंट रहेगा वो मैं ले लूँगा। यहाँ मुझे मिल चुका है भाई थ्रोन, मिल गया है भाई थ्रोन, नहीं चाहिए था मुझे, गलती से मिल गया। छोड़ो अभी जो मिल रहा है वो मुझे लेना ही पड़ेगा लास्ट भाई, इसमें ना मिल जाए वो ब्लास्ट प्रोटेक्शन मिला। और अब एक ही बार ये इंचेंट होता है इधर इंचेंटमेंट टेबल से, उसके बाद हमें कहीं और इंचेंट करना पड़ता है। तो जल्दी से मैं यहीं रखता हूँ, और मुझे 10 XP का मिल जाएगा अनब्रेकिंग 1, और लास्ट ये भाई हमारा 16 XP में मुझे मिल चुका है स्माइथ 2, मतलब 2 क्या बोल रहा भाई मैं, 2 मिल चुका है ये मेरे पास। एक ये रहने दो, अब छोड़ो भाई इतना भी XP हमें बर्बाद नहीं करना। स्माइट लगा सकता हूँ आई थिंक, तो इसको भी हम लगा लेते हैं। और यहाँ पावर लगा सकते हैं कि नहीं वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। पावर नहीं लगा सकते भाई इस पर, और ये भी नहीं लगा सकते भाई, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लक ऑफ द सी तो चाहिए नहीं अभी हमें। और ये फायर प्रोटेक्शन ये सब किसके लिए, ये भी एक बार मैं अपने बूट में लगा देता हूँ। बूट में नहीं लगा सकते, लेगिंग में नहीं लगा सकते, हेलमेट में नहीं लगा सकते, अपने चेस्ट प्लेट में भी नहीं लगा सकते, तो ये भाई किसी और काम की है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और यहाँ मेरे पास भाई मुझे चाहिए था इसके अंदर सील टच, आई थिंक यार मुझे मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और मेरे पास यहाँ क्या है भाई, ये भी यार अपना बो के लिए, तो मुझे यार सिल टच चाहिए, तो सिल टच मुझे मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आई थिंक यार एक बार इंचेंट हो जाता कोई चीज़ तो उसको इंचेंट नहीं कर सकते, तो मुझे उसके लिए बुक वुक बनाना पड़ेगा। तो सिल टच यार कहीं और एक बार और भाई मुझे बनानी, मतलब मन ही नहीं कर रहा कि मैं बार बार अपने लिए वो बनाऊँ, तो मन नहीं कर रहा, वो तो नहीं बनाऊँगा। मतलब क्या मैं बता देता हूँ, ये अपना पिकैक्स बार बार मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा, बस इस यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि इसको अभी वे नहीं करना भाई, हम इसको काहे के लिए रखें आपको मालूम ही है। तो कोई बड़ी लड़ाई वड़ाई में जाएंगे तो हम इसको वे करेंगे, और मस्त से यार वहाँ शॉप भी करेंगे, तो टेंशन मत लो। तो जल्दी से मैं इसको लगा देता हूँ, इसको लगा देता हूँ, और हमारा यहाँ एक ये एक्स लगा देता हूँ, एक्स मैं यूज़ नहीं करता हूँ, और एक हमारा शेवल जो कि भाई मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, तो ये दोनों मैं यहीं नहीं लगा सकता, एक ही चीज़ लगा सकता हूँ। तो छोड़ दो यार, अभी हमारे पास शेवल मैं यहाँ रख देता हूँ, कहाँ गया अपना, ये चेस्ट में रख देता हूँ, तो ये याद रहेगा भाई मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि भाई अभी ना अपने डायमंड आर्मर के लिए एक अच्छा सा अपना एक मतलब एरिया बना देते हैं, जहाँ अपना आर्मर होगा और वो रहेगा पावरफुल एरिया, मतलब जहाँ हम अच्छे अच्छे आर्मर्स रखेंगे। और अभी मेरे पास जितनी भी बुक है उसको मैं रख देता हूँ, और मेरे पास बोन देखो कितना सारा हो चुका है, अभी मैंने यहीं से उठाया था, और बहुत सारा चीज़ है मेरे पास। तो बस यार इतना ही सारा चीज़ है, और अभी मुझे करना क्या है कि मैं अपना ये पिकैक्स और एक ये स्वॉर्ड चेक करने जा रहा हूँ। तो चलो अभी चलते हैं स्वॉर्ड और पिकैक्स चेक करने। तो स्वॉर्ड जो है हमें चेक कहाँ करना है वो भी मैं बताता हूँ, पिकैक्स भी कहाँ चेक करना है सब मैं बता देता हूँ। ज़्यादा बड़ा जगह कहीं नहीं जाना, हमें जाना है अपने माइंड में, सिंपल अपने माइंड में जाएंगे और यहाँ भाई अपना काम करेंगे। और अगले पार्ट में आई थिंक यार मैं एक वुल्फ टेम करूँ, क्योंकि यार मुझे यार अपना एक मतलब छोटा सा प्यारा सा डॉग चाहिए, जिसके अंदर भाई मैं मतलब उसके साथ कहीं अच्छे अच्छे एडवेंचर पे और सब जगह जा पाऊँ इसके लिए। तो अच्छा मुझे डॉग तो चाहिए रहेगा, तो डॉग के लिए यार मुझे एक मस्त एपिसोड बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर भाई हम पूरा पूरा डॉग यार टेम करेंगे। और एक ही डॉग चाहिए, ज़्यादा मस्त एकदम प्यारा सा एक डॉग चाहिए, और एक्सप्लोरेशन भी बहुत ज़्यादा करना है भाई। अभी हमने ये अपना वर्ल्ड थोड़ा भी एक्सप्लोर नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं फॉर्च्यून चेक करने वाला हूँ। तो फॉर्च्यून 1 ही है मेरे पास, ज़्यादा तो नहीं है, बट तो भी चेक कर लेते हैं भाई फॉर्च्यून। ऐसा तो एक ही कोल मिलता है, और ऐसा मुझे एक ही कोल मिला, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो कोल के ऊपर कुछ भी काम नहीं है भाई, एफिशिएंसी 5 है जो कि भाई बहुत ज़्यादा तेज है। तो ये भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एफिशिएंसी 5 है भाई, ये मुझे भाई खजाने में से मिला था, तो बहुत ज़्यादा तेज होगा।
आई नो। और यहाँ से भाई मुझे कितना एक ही एक मिल रहा भाई, फॉर्च्यून वन इतना मेरे को लग रहा है इफेक्टिव नहीं होता है, फॉर्च्यून टू थ्री फोर ये सब होता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बट अभी लिटरली अभी मैं गिरने वाला था तो मैं यहीं लगा दूंगा इसको, तो अभी मैं गिर जाता लिटरली, अभी मैं लावा में गिरता हूँ। यहाँ देखो भाई पूरा जिंदा लावा है भाई, वहाँ पूरा का पूरा जिंदा लावा है, डर लग गया मुझे तो। अब यार मुझे तो लग रहा है कि अपना ये जो एफिशिएंसी 5 आई है तो मुझे नहीं लग रहा है कि काम का है, क्योंकि यार यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, 4 मिला है और कितना मिलना चाहिए तो मुझे खुद ही नहीं मालूम, और एक बार कलेक्ट करते जाके 10 मिल चुका है। आई मुझे तो नहीं लग रहा भाई, मुझे मतलब इसका कुछ नॉलेज नहीं है तो अच्छा ही मिला, और क्या अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो अभी हम चलते हैं नीचे, देखते हैं भाई कितने ज़ॉम्बीज आए, और अगली बार तो भाई वो भी वन हिट में मर रहे थे, और इस बार कितने हिट में मरते हैं वो भी हम चेक करते हैं। और मुझे यहाँ नहीं चेक करना चाहिए, मुझे मालूम है, मगर तो भी यार चेक तो करना ही पड़ेगा। और हमारे ज़ॉम्बीज तुरंत ही डिस्पॉन हो जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बेकार यार ये सीन। और भाई हमारा हार्डकोर सिटी यार कंटिन्यू हो रहा है, उसके लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा वो मैं बताता हूँ। अगला पार्ट होने वाला है हार्डकोर का ही अपना, और उसके अंदर अगला जो एपिसोड आने वाला है माइनक्राफ्ट का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा हम हार्डकोर के अंदर करने वाले हैं। बट मेरा जो हार्डकोर का सीरीज़ था वो भाई मेरा वर्ल्ड डिलीट हो गया था, तो मैंने एक सेम वर्ल्ड मतलब समथिंग सेम ही है तो मैंने वैसे बनाया एक वर्ल्ड, और उसके अंदर भाई अच्छे से पूरा का पूरा अच्छा नया जो मोड आया अभी एकदम मतलब एकदम ही पेटी पैक मोड जो है वो इंस्टॉल किया उसके अंदर हार्डकोर का, अब अच्छे से चल रहा है हार्डकोर, तो उसका एपिसोड बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाला है। बट उसके थोड़े बहुत यार जो भी सीन्स रहेंगे वो अलग होंगे, तो उसके लिए यार मुझे बोलना नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत अलग हो ही सकता है। और मैं बहुत ज़्यादा दिन से यार अपने घर में ही काम कर रहा हूँ, और हमने एक्सप्लोरेशन किधर नहीं किया, तो बहुत सारा चीज़ यार जिसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ आने वाले एपिसोड्स में। तो आपको कैसा लगे तो प्लीज़ बताना, एक्सप्लोरेशन की वीडियोस चाहिए कि नहीं, और वीडियो देखो यार, भाई को सपोर्ट करो यार, तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो सपोर्ट करो यार जल्दी। भाई हम यहाँ भी जाने वाले हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई यहाँ भी जाना है हमें, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है लिटरली मेरे हिसाब से। भाई मेरे लिए नैदर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्लेस है ये, देखो भाई मैंने इसको अच्छे से सजाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला शेडर में, अपने रैम्बो शेडर में। इसको मैंने फाइनली फिर से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अपना रैम्बो शेडर, क्योंकि मुझे यही शेडर अच्छा लगता है यार। और मैं कहाँ गिर गया भाई, मैं इतना गिरने पे भी मर रहा हूँ भाई, क्या ही है यार गलत। बट मेरा हेल्थ ही नहीं गया, और मुझे फिर से नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम नीचे चलते हैं। और भाई फाइनली यार हमारा यहाँ एक डायमंड सेटअप जो कि भाई फुल टू फुल इंचेंट हो चुका है, और इसके लिए मुझे दो दो बार भाई जाना पड़ा अपना एक्सपी कलेक्ट करने, जिससे भाई मेरे को दो दो बार 40-40 एक्सपी समथिंग 40-40 एक्सपी मुझे लेना पड़ा बार बार। और ये भाई 40 एक्सपी यार ऐसे नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। अगर भाई आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वापस से मैं बोलो जाके यार देखना, तब आपको पूरा का पूरा ये एपिसोड समझ में आ जाएगा। तो जाके ज़रूर से वो वीडियो देखना, उसके अंदर आपको आप भी सीख जाओगे कैसे मैं एक्सपी फॉर्म बनाया हूँ, वैसे आप कैसे बना सकते हो। तो जाके आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके यार वीडियो को देख लो। सो आई होप यार आप लोगों के वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो मैं सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब क्यों करना मैं बताता हूँ, क्योंकि यार हमारा नेक्स्ट गोल है 10,000 सब्सक्राइबर्स का, तो जल्दी से यार कंप्लीट करा दो। आई होप यार इस मंथ या उसके मंथ या उसके अगले या उसके एक साल में यार 10,000 सब्सक्राइबर्स कर देना यार, मेरा ड्रीम है भाई 10,000 सब्सक्राइबर्स का, और कंप्लीट करा देना, और शेयर करना अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर, और डिस्कॉर्ड सर्वर यार ज्वाइन कर लेना, अगली बार मैंने उन्हें बताया था, डिस्कॉर्ड सर्वर और इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर जाके फॉलो एंड ज्वाइन करो यार, भाई को वहाँ भी सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट यहाँ दिखाया तो वहाँ भी यार कुछ 100-200 तो करा दो यार, जाके यार जल्दी सपोर्ट करो यार। अपना डायमंड आर्मर कैसा लग रहा है जल्दी से बताओ मुझे यार, इधर देखो यार अपना डायमंड आर्मर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इधर देखो जब हम इसको वेयर करेंगे तो कैसा लगेगा, एक बार देखते हैं इसको वेयर करके भाई, एक ही बार वेयर करेंगे, ज़्यादा नहीं भाई, पहले मैं बता दे रहा हूँ। सो गाइस फुल इंचेंटेड डायमंड आर्मर इज हियर, तो भाई देखो मैंने पहली बार वेयर कर लिया इसको डायमंड आर्मर को, मुझे नहीं करना चाहिए था बट मैंने कर लिया, और अपना सब कुछ यार टूल्स जितने भी मैंने इंचेंट किए हैं फुल मस्त मस्त टूल हैं ये, और इसको मैं डायमंड आर्मर को फुल, देखो अपनी नीली आँखें और अपना नीला सूट है, तो जल्दी से यार आप नीला नीला लाइक दे दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड सर्वर में फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय। भाई आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में मुझे बताना आपको कैसा लगा हमारा इंचेंटमेंट पूरा पूरा सेटअप, और ये पूरा डायमंड आर्मर कैसा लगा जरूर से बता देना यार कमेंट में, अच्छा लगता है यार आपके कमेंट से मैं पढ़ता हूँ, तो जरूर से बताना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।